अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बड़ी मसरूफियत के दिन है आजकल, क्योंकि जितना भी लोग या वीडियोस हम बना रहे थे उससे हट के भी बच्चों के स्कूल, बच्चों के सेंटर्स, काम, घर के, कुकिंग, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेक्टिक चल रहा होता है। कुछ गाँव के घर का काम शुरू करा लिया, कुछ इधर का है, सारे सिस्टम मामला बीच में चल रहे हैं। अच्छा जी, आज ना वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सवालों के जवाब दे दें। सब लोग बड़े ही परेशान थे, घर पे घर बना रहे हैं, ये घर है तो वो घर क्यों है, ये है तो वो क्यों है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि जो डेली बेसिस पे आ रहे थे। तो मैं जो है ना सोचा मैंने क्या चलें, यूट्यूब की पेमेंट के हवाले से भी पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है आप उन पैसों से क्या करती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ना उनका मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले जो लोग हुसैन के बारे में पूछ रहे थे, हुसैन को यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेंटर है, वहाँ से मैंने, अब मैं स्पेन पर नहीं रही थी, फिर मैंने यहाँ से हुसैन के अगेन जो है ना वो सारी असेसमेंट्स वगैरह करवाई हैं। तो यहाँ पे भी जो साइकेट्रिस्ट ने और सब ने जो है ना वो डिक्लेयर किया, तो वो हुसैन का जो है ना वो असेसमेंट यहाँ यही हुई है कि वही आ जाके स्पीच रिले इशू है, कम्युनिकेशन इशू है। क्योंकि जहाँ अभी हुसैन अपने स्पीच थेरेपी के सेशंस लेने के लिए जाते हैं ना, तो आज हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुझे काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया हुसैन के बारे में कि हुसैन का आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, हुसैन सारे छोटे छोटे काम करता है, सब कुछ हुसैन का ठीक है। सिर्फ आ जाके जो हुसैन की फ्रस्ट्रेशन या थोड़ा जो हाइपर होते हैं कुछ, वो सिर्फ कम्युनिकेशन इशू है। जब ये बोलने लग जाएगा ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब तो माशाल्लाह बोलना चलना शुरू हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर वक्त के साथ साथ हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन की तरफ से तो अच्छी खबर है। बाकी जो लोग पूछ रहे थे, जो गाइडलाइन लेते हैं वो ये है कि हुसैन के भी सेशन कम्प्लीट हो जाए, फिर उस हिसाब से बताऊंगी। अभी स्पीच डिले इशू आ रहा है, वो वक्त के साथ साथ बच्चे बोलने लग जाते हैं, ठीक हो जाएगा, क्योंकि सोशली काफ़ी एक्टिव हो गया। सेकेंड जी, जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है वो ये है जी, आप ये भी घर बना रहे हैं, वो भी घर, कितने पैसे आ रहे हैं? अच्छा, यूट्यूब पे ना, यूट्यूब से इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते। हाँ, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आती है, वो भी आपके व्यूज़ वाइज होता है। अब जिनकी मिलियंस में वीडियोस चल रही होती हैं वो करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं, ठीक है, वो घर भी बना रहे हैं, हर चौथे दिन गाड़ियाँ भी बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारे अगर आप व्यूज़ वाइज, क्योंकि आरपी पर डिपेंड करता है, समटाइम्स जैसे 1000 व्यू है तो समटाइम्स यूट्यूब उसके आपको जो है ना $1 दे देती है, समटाइम्स $1 से भी कम देती है। तो ये ना व्यूज़ वाइज डिपेंड करता है, फिर आरपी पे डिपेंड करता है, फिर आपकी वीडियो के वॉच टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप 25 मिनट की वीडियो लगा रहे हैं और आपका वॉच टाइम आ रहा है उसमें, उसको ग्रीन टिक भी नहीं लग रहा, फिर उसके आपको थोड़े पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर आप जिस हिसाब से आपका वॉच टाइम आता है, जिस हिसाब से आपके व्यूज़ आते हैं, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। तो फिलहाल जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग है वो एक हैंडसम अमाउंट है, वो या कि हम शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, उससे अभी तक ना हमने कोई घर खरीदा, ना कोई गाड़ी खरीदी, कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो पता ही आपके सामने। हाँ, ये जो घर या चीज़ें, ये घर वैसे ही कह लें कि हमारा एक हवाई घर है, हमारे पेरेंट्स का घर है, जो कशान का घर है, या जो सारे हमारे घरों का सिस्टम है, मैं उसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कशान की अर्निंग बहुत अच्छी है, मेरे अब्बू की अर्निंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि कह लें कि अभी तक भी अगर हम अक्सर बैठे उनसे बोलते हैं कि एनुअली हिसाब लगाएं तो मेरे अब्बू की अर्निंग माशाल्लाह सबसे ज़्यादा है। तो उनकी सपोर्ट बहुत होती है, कशान की सपोर्ट होती है, अब जफ़र की भी अच्छी इनकम है, अच्छी सैलरी है, तो वो माशाल्लाह हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी कमाने वाले हैं, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं मिलजुल के, ठीक है। अब जैसे गाँव वाला घर है तो बब्बू ने और कशान ने मिल के ले लिया, ठीक है, अम्मी के भी कुछ पैसे थे उसके अंदर। तो जैसे अब यहाँ कशान का कोई घर है या जो उसने हमें दे कुछ है, तो वो ये होता है कि अब माशाल्लाह बिजनेस भी है, रेस्टोरेंट्स का भी कशान का काम है, कुछ दो तीन बिजनेस और भी हैं, अच्छे चल रहे हैं वो भी। तो सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और जो घर, गाड़ियाँ, जो स्टेटस चीज़ें हैं ना, वो हमारी माशाल्लाह जो हमारे घर के जेंट्स हैं ना उनकी इनकम के हैं। जो मेरी यूट्यूब पेमेंट या कुछ है तो आपको बताया व्यूज़ वाइज या आरपी के हिसाब से, उस हिसाब से पैसे होते हैं। तो वो जो है वो हम बस खाते पीते हैं, बच्चों पे लग गए, शॉपिंग कर ली, मुझे ज़्यादा ये होता है बस, जो हेल्पर्स बच्चियाँ कभी उन्हें कुछ ले दिया तो करके रहा कि यही होता है, इतनी कोई खास इसकी अमाउंट नहीं आ रही। हाँ, अगर आपका चैनल मिलियंस में चल रहा है, मिलियंस में आपके व्यूज़ हैं, तो फिर तो आप गाड़ियाँ लें, घर लें। अभी तक हमारी यूट्यूब का हमारी घर की किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बाकी वही होता है अब्बू की अर्निंग सबकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ज़्यादा बेसिक ये घर हो गया, हमारे बाकी घर हो गए। अब गांव वाला जो घर लिया है तो वो अब्बू और कशान का ज़्यादा जो है ना उसमें सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। बाकी आपको पता है मेरे इन-लॉज वाला जो घर है, जो जफ़र का बेसिकली है, मेरा घर है, वो हमारा गांव है, उसका आपने टूर भी देखा हुआ, वो भी माशाल्लाह हमने अच्छा बनाया हुआ, तो गाँव हमारा घर है। अब खैर ससुराल का भी हो गया, अब मेके का भी घर हो गया, माशाल्लाह सारे हो गए। लेकिन हमने जो गाँव घर लिया, वो सबने पूछा था कि आप रहते स्पेन है, क्यों घर पर घर बना रहे हैं? बेसिकली ये तो ऑब्वियसली हमारा अपना घर है, जब हम पाकिस्तान आते जाते हैं हमने इसी में रहना है।
गांव वाला घर लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा है नजरों न्याज का, जो हमारा सिलसिला है ना, एक क्योंकि अबाई गांव है, सब कुछ है। तो गांव वाला घर हमने सिर्फ न्याजें देने के लिए लिया कि कभी हम उसमें मजलिस कराएंगे, कभी मिलाद कराएंगे, जब जब हम पाकिस्तान आएंगे, मुहर्रम है, सफर है, कोई जश्न है, ईद है, तो उसमें हम लोगों ने गेट टूगेदर प्लान करने, हमने न्याजें देनी है गांव वाले घर में, ना तो हमने जाके रहना है, ना इस तरह का हमारा कोई प्लान है, वो सिर्फ न्याजों के लिए लिया, ठीक है। सेकंड, मुझे काफी ज्यादा लोगों के मैसेज आते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल्स को सपोर्ट करें, नाम लें। अच्छा, मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, हमेशा जो चैनल होता है वो कंटेंट से चलता है। आपने देखा होगा हमारी अक्सर वीडियोज डाउन हो जाती है, अक्सर बहुत, अब मेरी रेमेडीज और कुकिंग है वो मिलियंस में चल जाती है, ब्लॉग दिल करे तो 5-7 हज़ार व्यूज पे भी काम चला जाता है। तो कंटेंट पे डिपेंड करता है, जितना इंटरेस्टिंग आप कंटेंट लोगों को दिखाएंगे, जितने इंटरेस्टिंग, जितने थ्रिलिंग, जितने अच्छे आपके थंबनेल्स होंगे, उतनी ही आपकी वीडियो देखी जाएगी। समटाइम्स होता है नेगेटिव थंबनेल लगाने पड़ते हैं, थ्रिलिंग लगाने पड़ते हैं, गेम्स करनी पड़ती है, चैलेंजेस करने पड़ते हैं चैनल को चलाने के लिए। मैं 1000 दफा भी आपके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूं, मैं 1000 दफा मुंह से बोल के बता दूं कि ये चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, एक दिन कोई जाके वीडियो देख लेगा, 10 लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल आपने अपना कॉन्टेंट खुद ही चलाना है। आजकल गाँव के जितने चैनल हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं और खुद ही हो रहे हैं, जितना मड हाउसेज हैं उनके चैनल बहुत चल रहे हैं, तो लोग बहुत ज्यादा लोग आगे आना शुरू हो गए हैं। अब जैसे मैं अपने कंटेंट की बात करूं, मेरा सिंपल सा कंटेंट है, घर में कुकिंग, बच्चे, सब कुछ, वो कभी बहुत ज्यादा चलता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी वीडियो नहीं लग रही, तो मिक्स एंड मैच सा चल रहा होता है। गांव के कंटेंट, अगर आप गांव किसी में रहते हैं, चैनल बनाए, मड हाउस है, मट्टी के घर है, कुकिंग है, बेसिक बताने का ये मकसद है कि कंटेंट आपने अपना खुद ही बनाना है, अपने कंटेंट को आपने खुद ही चलाना है। एक प्रमोशन लेने से आपकी 1 या 2 वीडियोस चल जाएंगी, कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका चैनल चलता रहेगा। कंटेंट को देखें, इतने इतने यूट्यूबर्स हैं, सबकी व्लॉग्स को देखेंगे आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या चीज बनानी है। जो मुझे 2-3 व्लॉग्स पे मैसेज आ रहे थे कि हमारी विश पूरी करें, हमने आपसे मिलना है, मीटअप रखें। अच्छा, हम लोगों ने 100K जब हमारा कंप्लीट होना है ना, उस पर हम लोगों ने एक मीटअप रखना है। ऑब्वियसली नवाज भाई की फैमिली हमारे साथ होगी, राबिया आप भी लोग हमारे साथ होंगे सब, उसके बाद साजदा आप भी लोग होंगे, मिंटो फैमिली, सब लोग हमारे साथ होंगे, जो जो जिन जिन यूट्यूबर्स के साथ आपने हमें देखा है उनके साथ हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बहन भाइयों वाले टर्म्स, आपको पता है इस साल कुछ टूर हमारा आगे पीछे हो गया कि सबके अपने अपने कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से नहीं निकले हैं, हमें बच्चों की हैं, उन्हें और तरह की हैं, तो वो नई टूर प्लान हुआ, वरना आप हर साल हमें देखते हैं। तो ग्रैंड मीटअप हम रखने का सोच रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा अगर, तो अभी तो खैर मैं पाकिस्तान ही हूँ काफी मंथ्स, अभी मैंने वापस स्पेन नहीं जाना, तो ये है कि जैसे ही 100K हो जाएगा फिर हम एक मीटअप अच्छा सा प्लान करेंगे, जगह कौन सी होगी, शहर कौन सा होगा, किस तरह से होगा, उसमें जितने मैक्सिमम लोग होंगे। हाँ, ज्यादा हमारी प्रायोरिटी पे वो लोग हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं, ठीक है। गिव अवे भी उसमें हम रख रहे हैं, उसमें हम 20-30-50 जितने मैक्सिमम लोग होंगे उनके लिए गिव अवे भी होगा, मीटअप भी होगा, फिर हम प्लान कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों के हमें मैसेज आए हैं कि हमारी विश पूरी करें, फिर कुछ ना कुछ पर्चियां डालेंगे उनके नाम लिख के। लेकिन ये जो सब कुछ होगा वो लाइव आपके सामने बैठ के होगा, उसमें कोई चीटिंग कुछ भी नहीं होगा। तो अब जल्दी से 100K करवा दें ताकि सारी चीजें हमारी लाइनअप जिस तरह हमने सोची हुई है वैसे ही हो जाए। तो अब 100K होने पे मीटअप होना है जिसपे हमने सब को बुलाना है और सारी हमारी बाकी फैमिलीज भी होंगी जिनसे हम कनेक्टेड हैं यहाँ पे। बाकी तीसरी बात, विशेज भी उसमें पूरी होंगी। बड़ा समझ ले कि यूट्यूब में इस तरह का कोई मीटअप, कोई कह लें गिव अवे, कोई विशेज पूरी करने वाली चीज आज तक किसी ने नहीं की होगी। तो काफी सारी चीजें हमारे माइंड में है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान होते होते हो गया तो इनशाला मीटअप भी होगा, आप सबको बुलाएंगे भी, फिर जो जो कमेंट्स करने वाले लोग हैं या इंस्टाग्राम पे जिनके मैसेजेस आते हैं उनकी पर्चियां डालेंगे, हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे, सामने सब पर्चियां निकलेंगी और सब कुछ तरीके से लाइनअप होगा ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। तो टूर हम प्लान कर रहे हैं, जो जो लोग टूर करके आए हैं हमें बताएं कि कौन सी साइड सेफ है, रोड्स कैसे हैं, मौसम कैसा है, क्योंकि हमारे जो तीनों हेल्पर बच्चे हैं वो कहते हैं जी हमने भी आपके साथ ही जाना है और हम खुद भी हैं, बच्चे छोटे हैं, तो अब आपने हमें गाइड करना है कि कौन सा इलाका ऐसा है कि जहां हमें टूर पे जाना चाहिए। टूर हम बड़ा जबरदस्त किस्म का लविश प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा अगस्त में जाके फर्स्ट वीक में होगा क्योंकि जफर को तब छुट्टियां होनी है, फिर हम जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके हाथ में हमारा 100K और मीटअप जल्दी से करवा दें और बाकी इंशाल्लाह टूर में थोड़ी सी हमारी हेल्प करें कि कौन से रोड्स जहां बारिशें ना हो, लैंडस्लाइडिंग्स ना हो, या बच्चों के साथ हमें किस जगह तक
जाना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा अब हमारी अपनी फैमिली का ही सिर्फ प्लान है कि हम लोग ट्रिप पे जाएंगे। तो बाकी ये चीज़ें आपने बतानी है। कुछ लोग जो ये कह रहे थे मुहर्रम में आपने बच्चों को शॉपिंग कर दी, तो देखें शॉपिंग तो नहीं की, ना उन्होंने कोई मेकअप किए हैं, ना उन्होंने कोई बहुत ब्राइट कलर्स, कुछ भी नहीं किया। ये उनकी एक छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जो वो हमसे बैठ के अक्सर हमारे पास बैठ के जिक्र करती थी। हमने बेसिकली कोई शॉपिंग या सच कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है जिससे वो खुश हो जाएं। और आप सब ने देखा कि उन तीनों के मुंह से और आंखों से जो है ना वो खुशी नजर आती थी कि वो अपनी चीजें लेके या अपनी विशेष को पूरा करवा के कितने खुश हैं। तो इस चीज का सवाब मिलता है, वो मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल जब भी हो तो ये एक सवाब का काम है और अच्छी नीयत का काम है। तो ये इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत खुश हो गए हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जिन चीजों में आपसे गाइडलाइन मांगी है वो जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।